देखिए, चुनावी जो घोषणा पत्र होते हैं वो कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं होते, वो सिर्फ चुनाव के लिए ही राजनीतिक पार्टियां उनका प्रयोग करती हैं। दूसरी ओर युवाओं के लिए जो 2 लाख पक्की नौकरियां देने की बात की कर्ज की, अगर हम बात करें तो 2014 में कांग्रेस पार्टी ने जब शासन छोड़ा था तो जब हमारे प्रदेश पे 60,000 करोड़ का कर्ज था, आज बढ़कर वो 5 गुना से भी ज्यादा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा में आने वाली 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन्होंने हरियाणा की जनता के लिए बहुत लुभावने वादों के पिटारे खोल दिए हैं। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले कल अपना चुनावी घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो जारी किया और मैनिफेस्टो जारी होते ही विपक्षी पार्टियों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं जारी की। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र है जारी कर दिया। इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो राजनीति के अच्छे जानकार हैं और हरियाणा की राजनीति पे इनकी अच्छी पकड़ है। इनसे चर्चा करते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जो घोषणा पत्र है ये कितने सही हैं, कितने सार्थक हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका। मेहरा साहब, पिछले कल कांग्रेस ने जो है अपना मैनिफेस्टो जारी किया और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। जैसे ही कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो जारी होते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि ये अपने वादों को कैसे पूरा करेंगे, जो देश है वो कर्जवान हो जाएगा और ऑलरेडी ये सब जो है ये एक झूठ का पुलंदा है, झूठ का पिटारा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना जो चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है जी, तो वो पब्लिक की फैसिलिटी की बात करती है। इसी प्रकार जो आज की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी ने भी लोगों को सुविधाएं देने की बात की है। कल कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में जिन्होंने उनके अब 7 पक्के वायदे नाम दिया है, इसके 7 पक्के वायदे किए हैं और हम निभाएंगे। और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जो जारी किया उसको संकल्प पत्र नाम दिया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 20 संकल्प लिए हैं। और जहां तक बजट की बात है तो बजट के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाने पड़ते हैं। बट ऑब्वियसली बात, कोई भी सरकार हो, हर साल बजट, नया बजट आता है, हर साल खर्चे बढ़ते हैं, उसके लिए हम खर्चों को कहां से करेंगे, ये सोर्स ऑफ इनकम हमें बढ़ाने होंगे। और उसके लिए ऑटो क्षेत्र में काम करना होगा, ऑटो प्रोडक्शन ज्यादा करनी होगी, एग्रीकल्चर में काम करना होगा, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना होगा। और ये मुझे लगता है कांग्रेस ने जो 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने इस फील्ड में अच्छा काम किया था। जैसे बिजली के कारखाने की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें और शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में अच्छा काम उनका हुआ था। उसी उत्साह को देखते हुए कांग्रेस ने अभी जो 7 पक्की गारंटियां दी हैं ना, वो मुझे लगता है आर्थिक बोझ तो स्वाभाविक है, राज्य पे पड़ेगा आर्थिक बोझ। तो कोई भी बजट है, कोई भी नई योजनाएं जो लेके आती है तो आर्थिक बोझ पड़ता है। जब जहां तक विपक्षी पार्टियों ने यह आरोप लगाया है कि देश कर्जवान हो जाएगा, कर्जे की अगर हम बात करें तो 2014 में कांग्रेस पार्टी ने जब शासन छोड़ा था तो जब हमारे प्रदेश पे 60,000 करोड़ का कर्जा था, आज बढ़कर वो 5 गुना से भी ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है 3,17,000 करोड़ से भी अधिक हरियाणा प्रदेश पे कर्जा ये कह सकते हैं। लेकिन कर्जा निरंतर बढ़ता रहता है, लेकिन एक उसकी एक रेशो होती है कि किस रेशो से आगे कर्जा बढ़ेगा और कितने कर्जा और कर्जे को कहां से मीट आउट करते हैं, ये बजट में सरकारों ने देखना होता है। और जो कांग्रेस पार्टी ने जो 7 वादे किए हैं वो वादे उन्होंने वही किए हैं जो आजकल कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक जो मंचों पर जनता के सामने कह रही है। बुजुर्गों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, सामाजिक सुरक्षा की बात हो, इन वायदों पे मैं वायदों को अपने उन्होंने 7 वायदों में उन्होंने जोड़ा है।
तो किसानों की अगर हम बात करें, किसान देखो, ये हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, और हरियाणा की जो मुझे लगता है 50% जो आर्थिक स्थिति जो का जो जुड़ी हुई है, जो कृषि से जुड़ी हुई है, और कृषि में किसानों का महत्व है। किसानों के लिए जो वायदे किए हैं मुझे लगता है वो कहीं कहीं रेलिवेंट है। किसानों को ध्यान में रख के कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए हैं वो उनको किसानों को समझाने की बात की है, सभी फसलों की MSP कानून की गारंटी देने की बात की है, और किसानों को दूसरी तरह की जो उनको फसल उत्पादन बढ़ाने की जो बात कही है वो इसमें योजनाएं जोड़ी गई है। दूसरी ओर युवाओं के लिए जो 2 लाख पक्की नौकरियां देने की बात की कांग्रेस पार्टी ने की है युवाओं के लिए, जी और दूसरी रोजगार बढ़ाने की बात की है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो इन सारे जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने जो चुनाव पत्र घोषणा पत्र में डाला है, सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है बढ़ाने की बात की, आजकल जो सारा सामाजिक सुरक्षा में पेंशन जो बुजुर्गों को पेंशन दी जा जी रही है जी जी 6,000 वो रुपया 3,000 रुपये दी जा रही है, हाँ और मेरी बात विकलांग कही, पेंशन 3,000 है, विधवा पेंशन 3,000 है, उन्होंने डबल करने का वो वादा अपने किया। घोषणा जी पत्र में वादा जी किया है, जी उनको 6,000 करने का जी बिल्कुल जो ये वादा अपना दोहराया है। युवाओं के बारे में नशा मुक्ति की उन्होंने बात की, कितना प्रभावी आगे नशा मुक्ति पर काम हो पाएगा ये तो आगे देखने वाली बात है, लेकिन उन्होंने अपने 7 वादों में डाला है उन्होंने। और पिछड़ा वर्ग के बारे में आजकल एक नेशनल लेवल पे एक मुद्दा बना हुआ कांग्रेस पार्टी और क्या इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं, जितने हाँ भी दल हैं, वो जातीय जनगणना पे बहुत तवज्जो दे बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल, ये एक और अहम इसको मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है, अहम मुद्दा ये सरकार के हमेशा। सामने एक जबरदस्त मुद्दा उन्होंने जी जी उठाया, जी जी और इस बिल्कुल मुद्दे बिल्कुल को पूरा करने के जातीय जनगणना का एक जो वादा किया है कि हम हमारी सरकार बनेगी और जातीय जनगणना हम करवाएंगे। और कर्मचारियों के बारे में जो क्रीमी लेयर OPS, की भी सीमा बढ़ाई है हाँ उन्होंने जैसे कुछ, है उसी ना पे आ रहा हूँ, जी। कर्मचारियों की जो मांग है आजकल है OPS लागू करने की मांग है, OPS का भी उन्होंने वादा किया कांग्रेस पार्टी ने कि हम पुरानी जो पेंशन स्कीम है वो लेके आएंगे कर्मचारियों के लिए, और कर्मचारियों का ये किया हुआ ये वादा हम पूरा करेंगे। तो इस तरह के ये और भी वायदे किए, गरीबों के लिए, गरीबों को उत्थान के लिए 100 वर्ग गज के प्लाट देने की उन्होंने बात की है, और सभी के गरीबों को जो मकान देने की बात की है जिसपे 3.5 लाख खर्चा होगा, 1 मकान 2 कमरों का मकान होगा, वो मकान देने की कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी जो घोषणा पत्र है जिसको पक्का वायदा उन्होंने कहा है, यहाँ मैं तो एक इसमें बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का जो उनका चुनावी मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने कहा था कि 2022 तक पूरा हरियाणा जो है सबके पास अपना पक्का आवास होगा। तो इस तरह से तो वादे सब लोग करते हैं, तो वादे कहाँ तक सार्थक हैं ये? देखिए चुनावी जो घोषणा पत्र होते हैं वो कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं होते, वो सिर्फ चुनाव के लिए ही राजनीतिक पार्टियां उनका प्रयोग करती है। जी चुनाव प्रचार के दौरान जब भी अपना इनका कैंपेन होता है उनमें ये लोगों के सामने जाते हैं और बताते हैं कि हमने ये आपसे ये वायदे का वादा करते हैं, ये हमारी घोषणा पत्र में है, और लोगों को समझाने की अपनी जो सब बात है समझाने की बात कोशिश करते हैं। जनता कितना समझ पाती है, जनता उनके पक्ष में उस घोषणा पत्र को लेके वोट दे पाती है ना दे पाती है ये तो चुनाव मतदान के मतलब बाद मतगणना के ये बाद पता चुनावी चलेगा। घोषणा पत्र जो होते हैं एक तरह से लोगों को लुभाने के लिए घोषणा की जाती स्वाभाविक है, रूप और स्वाभाविक हाँ कितनी इंप्लीमेंट होती है ये तो आने, अभी कल एक स्टेटमेंट आई थी, आज ही शायद इनकी स्टेटमेंट आई है नायब सिंह सैनी की, उन्होंने कहा कि हमने 2014 के घोषणा पत्र में जितनी भी घोषणाएं की हैं वो सब की सब पूरी की हैं। तो कितनी पूरी करते हैं ये तो डिपेंड करता है आने वाले समय पे। नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी है जो घोषणा पत्र है जो देते हैं उनमें से कुछ न कुछ अपनी पॉलिसी में डालते हैं, जी जो कुछ सरकार गवर्नमेंट की पॉलिसी, जिसकी सरकार बनती है वो अपने जो गवर्नमेंट पॉलिसी में होते हैं उनमें डालते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न कहीं इन लोगों को लाभ भी मिलता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 2014 में 2019 में जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए गए 100% उन पे खरी उतरी है, ऐसा जी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत से वायदे पहले किए हैं, 15 लाख लोगों के खाते में आएंगे, हाँ वो किसानों शुरुआती, की आय दुगनी जी होगी, बिल्कुल हालांकि बिल्कुल किसानों का तो ये कहना है कि हमारी आय दुगनी होना तो दूर की बात, हमारी आय कम हुई है, खर्चे बढ़े हैं हमारे, तो इसलिए आय दुगनी नहीं हुई मुझे लगता है। उन्होंने एक स्मार्ट सिटी की बात की थी, आप देख ये तो जग जाहिर है स्मार्ट सिटी हरियाणा में
कितने स्मार्ट सिटी करनाल और मुझे लगता है फरीदाबाद। और मुझे लगता है अभी का जो मैनिफेस्टो उसमें भी 50 जो बड़े शहर हैं उनको अत्याधुनिक शहर बनाने की बात की है इन्होंने, इस तरह की कुछ भारतीय जनता पार्टी ने 10 जो अत्याधुनिक शहर बनाने की 10 की बात की है अपने संकल्प पत्र में, उन्होंने बात की है और 10 जो आधुनिक शहर जो बनाए जाएंगे उसमें 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की बात, थोड़ा रोजगार देने की बात की, रोजगार के युवाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है ये। और कहां तक हम इस भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ पाएगी ये तो आने वाला टाइम बताएगा। उसके साथ साथ आयुष्मान योजना का जो दायरा उन्होंने बढ़ाया, 10 लाख रुपए तक का इलाज हर साल मुफ्त वो दिया जाएगा, चाहे आयुष्मान पहले 5 लाख था शायद योजना के तहत, जी 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 हाँ पहले 5 लाख था। और उसके साथ साथ 70 जो वर्ष की आयु से जो अधिक जो बुजुर्ग हैं उनको चाहे किसी तरह की इनकम हो, चाहे इनकम ज्यादा हो या कम हो, उनको सभी को इस योजना में आयुष्मान योजना में धक्के दायरे में लाया जाएगा, उनको 5 लाख रुपए तक का इनाम उनका फ्री किया जाएगा। तो इस तरह की योजनाएं 24 किसानों को देखते हुए उन्होंने किसानों के लिए जो घोषणाएं की है, 24 फसलों का जो MSP पे खरीदने की उन्होंने एक दावा किया है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो पहले भी इन्होंने ये कहते आए हैं अपने चुनाव प्रचार में, लेकिन अब उन्होंने घोषणा पत्र में डाला है तो ये दूसरी तरफ कांग्रेस ने शायद MSP की गारंटी की भी बात की है कांग्रेस ने। हाँ यस, किसानों के लिए जो वादे कांग्रेस ने किए वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वायदों पर भारी पड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सभी फसलों की जो हरियाणा में जो फसलें खरीदी जाएंगी वो MSP पे खरीदी जाएंगी और उसकी कानूनी गारंटी भी। आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 20 वादे जो है अपने मैनिफेस्टो में रखे, दूसरी तरफ कांग्रेस ने 7 रखे हैं, लेकिन कांग्रेस के 7 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के 20 पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के जो 7 वायदे हैं उन पे एक प्रतिक्रिया उन्होंने दी है कि ये वायदे कहाँ से पूरे होंगे, इतना ये देश हमारा प्रदेश जो और ज्यादा कर्जवान होगा, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं ही मान ली है कि ये हमारे वायदों से कांग्रेस पार्टी के वायदे जनता ज्यादा लुभावने हैं और जनता के ज्यादा समझ में आएंगे इन पे, क्योंकि उन्होंने ये दोहराया कि इन पे खर्च ज्यादा होगा। मेरा सब जो भारतीय जनता पार्टी है वो 2014 2019 अपने मैनिफेस्टो पहले भी जारी किए, इस बार मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया, लेकिन कहीं ना कहीं 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो मैटर करती है, वो असर करेगी उन पे। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है पिछले 10 साल के सूखे को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करेगी और सत्ता के लिए जद्दोजहद कर रही है, बट ऑब्वियस सी बात है दोनों पार्टियां जो उनके पिटारे में वादे हैं बड़े लुभावने हैं और वो लोगों को लुभाने के लिए ऐसे वादे कर रहे हैं और करेंगे, तो जनता विश्वास कर पाएगी उन पे? हाँ ये बात है। तो जैसा आपने कहा कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 10 साल से जो किसी कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी राज्य में सरकार चलाती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है, बट ऑब्वियस। और भारतीय जनता पार्टी ने इस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने के लिए काफी प्रयास इसमें जो घोषणा पत्र में किया है और ये किसानों को लेकर जो MSP की गारंटी और किसान से संबंधित जो योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि क्योंकि किसान बहुत नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, पिछले दिनों हरियाणा के किसानों ने, पंजाब के किसानों ने और उत्तर प्रदेश के किसानों, राजस्थान के किसानों ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा धरना दिया था, 1 साल तक वो धरने चले थे और उसको लेके जो उन्होंने कमिटमेंट किया था उस केंद्रीय सरकार ने, लेकिन वो वादा उनका अभी पूरा अधूरा है और उसको लेके अभी भी किसानों के आंदोलन चलते आ रहे हैं। किसानों को साधना सबसे बड़ी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के सामने है, बड़ी चुनौती है। इस जो घोषणा पत्र में इस किसानों को कितनी कहां तक अपनी बात समझा पाएंगे ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भरपूर कोशिश की है किसानों को साधने की, किसानों को मनाने की, क्योंकि उन्होंने MSP की जो सभी की सभी जो हरियाणा में फसलें जो खरीदी जाएंगी वो सारी की सारी MSP पे खरीदी जाएंगी, MSP का कानून बनाया जाएगा और दूसरी ओर जो गरीबों को साधने की भी कोशिश की है, पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश, 100 गज के प्लाट की बात, क्रीमी लेयर के जो सीमा बढ़ाने की बात की, क्रीमी लेयर की सीमा की कांग्रेस ने बात की है, क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से 10 लाख की
क्रीम लेयर की जो सीमा बढ़ाई जाएगी। और सबसे मुख्य बात जो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी सॉरी कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के लिए वो ये कहा कि पिछड़ा वर्ग की जातीय जो जनगणना है वो करवाई जाएगी ताकि हर जाति के आधार पर आंकड़े सामने आएंगे और उसके लिए योजनाएं बनाई जा सके। दोनों राजनीतिक पार्टियों ने जो वायदे किए हैं वो लगभग हर वर्ग को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में संकल्प पत्र सात वायदों में उन्होंने सभी वर्गों को टच किया है। महिलाओं की हम बात करते हैं तो महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2100 रुपये एक प्रत्येक महिला को देने की बात की है। उधर कांग्रेस पार्टी ने 2000 रुपये सभी महिलाओं को देने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने जो बात की है जो सब वो एक लाडली लक्ष्मी योजना के तहत की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि सभी महिलाओं को 2000 रुपये दिए जाएंगे। और अपने रसोई को का बजट ठीक करने के लिए महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात की है। अंत्योदय योजना के तहत जो महिलाएं आती हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं उन महिलाओं को 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा। उधर दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने सभी महिलाओं को जो है 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात की है। इस प्रकार से मुझे लगता है दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में और एक सभी वर्गों को साधने का जो एक प्रभावी प्रयास किया है वो जनता उसको कहां तक स्वीकार करेगी और जनता में दोनों पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र को लेके जाएंगी और ये तो समय तय करेगा आने वाला जो मतगणना होगी उसमें तय हो पाएगा और किस राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र को लोगों ने स्वीकारा है और किस राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र को लोगों ने ढकोसला बताया है। जी, तो जी। ये घोषणा पत्र एक चुनाव प्रचार का जो एक माध्यम होता है वो सभी राजनीतिक पार्टियों का वो इनकी एक्सरसाइज जारी रहेगी। सरकार किसकी बनेगी, सरकार बनने के बाद इन घोषणा पत्र को कितना इंप्लीमेंट होता है ये देखना बड़ी बात है। सो जब भी चुनाव आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां जो है वो बड़े बड़े वादे करती हैं अपने वोटर्स को लुभाने के लिए। कितने वादे पूरे करती हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। खैर, इसके बाद और भी जो नई अपडेट्स हैं चुनावी चर्चा के ऊपर उनके लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका अगर कोई सुजेशन है तो उस सुजेशन का हमेशा वेलकम है। आप हमें अपने सुझाव दीजिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत राजनीति।